subject model means ki bacha class mein kis tarike se padhega subject, how the child is going to learn each and every subject, each and every topic, uska jo methodology hai wo aapne dekha. Now even we are having up with co-curricular activities, means har ek school mein co-curricular activities hoti hain, so how are we going to work out with the co-curricular activities? For that I would like to call my friend. Please ma'am. Hello ma'am. Hello. So ma'am, I would like to tell you that ma'am, as a mother, आपके बच्चे में कुछ ना कुछ शौक होंगे या तो मैं कह सकती हूँ उसकी हॉबीज होंगी कुछ. Yes ma'am, my child like drawing and dancing. So he's going for that drawing and dancing class. Okay, so means उसका जो शौक है आप उसको क्लास में भेज के पूरा करते हो. Every mother. Okay, so means after the school he goes to that class. Yes. So ma'am, what if the school thinks for your child's talent? Well and good ma'am, matlab I can call it best. Yes, of course, we are coming up with the co-curricular model, that is the I3 system, where we are having a student who is having intelligences, multiple intelligences, and that student's intelligences are being identified by the teacher and the parents, and finally the students, after getting identified, are sent to the clubs and they are going to invent multiple things. Okay, so let me tell you in detail. Actually what happens that any child, कोई भी बच्चा होता है, कोई भी human being होता है, उसमें already कुछ ना कुछ intelligence होती है. Intelligence means I would tell you in detail. Okay ma'am, so मेरे बच्चे को drawing पसंद है और dance पसंद है, तो may I call that intelligence? Yes, वो intelligence है. अगर उसे drawing पसंद है is visual smart, right? And उसे अगर उसको dance पसंद है is bodily smart. इस तरीके से वो smartness होती है बच्चों में, जो भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिली हुई है बच्चों को इंटेलिजेंसी. ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस दैट वी हैव टू फाइंड आउट द इंटेलिजेंसी फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स. देयर आर 8 इंटेलिजेंसीज. फ्रॉम दैट 8 इंटेलिजेंसीज वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हिच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट एंड व्हाट थिंग, या उस बच्चे को उसका शौक कैसे है, क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब क्या प्रोसेस होगी मैम, क्या बच्चे में आइडेंटिफाई करेंगे. यस 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 एग्जैक्टली. नाउ एज सून एज द चाइल्ड कम्स टू अस, व्हाट हैपेंस दैट फॉर फ्यू मंथ्स, वन और टू मंथ्स, वी जस्ट गो थ्रू द चाइल्ड, मीन्स वो क्लास में किस तरीके का उसका बिहेवियर है, उसके पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन करते, जैसे मुझे आपसे पता चला कि वो डांस में एंड ड्रॉइंग में अच्छा है, बट जब वो क्लास में बैठता है और वो कुछ हम देख सकते हैं कि वो रीडिंग उसको ज्यादा अच्छा लगता है, तो वी कम टू नो दैट ओके ही इज हैविंग वन मोर इंटेलिजेंसी, जो आपको नहीं पता है पर वो क्लास में वो शेयर कर रहा है. तो वो टीचर है उसकी, टीचर्स एंड पेरेंट्स टूगेदर, वो सब कुछ जैसे छोटी छोटी एक्टिविटी है, जैसे कि एक छोटा सा वीडियो दिखाया मैंने बच्चों को और बच्चों को पूछा दैट व्हाट डिड यू सी इन द वीडियो, तो कुछ कुछ बच्चे होंगे जो वीडियो का स्टार्टिंग से लेके एंड तक वो बोल सकते हैं. दैट मींस दैट पर्टिकुलर चाइल्ड इज विजुअल स्मार्ट. तो इन दैट वे हम बच्चों की इंटेलिजेंसीज को पहले पहचानेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट कि टीचर ने बस एक बच्चे का नाम कोई क्लब में डाल दिया, बट नो नो, यस यस यस, दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग 2-3 मंथ्स, है ना, 2-3 महीने हम बच्चों को पूरा जानेंगे अच्छे से, बिकॉज उसका जो शौक है वो जो बोल रहे हैं पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, शायद उसके अलावा भी कुछ उसका शौक होगा. देन व्हाट हैपेंस दैट आफ्टर वी आर आइडेंटिफाइंग द इंटेलिजेंसीज, देन वी आर सेंडिंग दैट पर्टिकुलर चाइल्ड टू दैट पर्टिकुलर क्लब. वी आर हैविंग 6 क्लब्स, नेमली लैंग्वेज क्लब, साइंस एंड मैथ्स क्लब, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब, रिदमिक क्लब, सिटीजन क्लब एंड रीडर्स क्लब. सो व्हाट हैपेंस एज सून एज वी कम टू आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स इंटेलिजेंसी, दैट पर्टिकुलर चाइल्ड गोज टू दैट पर्टिकुलर क्लब. ओके मैम, बट माई नाउ क्वेश्चन इज, इफ माई चाइल्ड गोज इन रिदमिक क्लब, सो आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर इज गोइंग टू बी इन दैट सेम क्लब, या यू आर गोइंग टू सफर. यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली. नाउ व्हाट हैपेंस दैट वी वांट आवर चाइल्ड टू बी 360 डिग्री डेवलप, है ना, तो वो जो उसका शौक है, वन ईयर वी हैव टू लेट देम बी इन द पर्टिकुलर क्लब, जो उसका शौक है वो एटलीस्ट वो पूरा करे. देन व्हाट हैपेंस, वन ईयर इफ योर चाइल्ड इज इन रिदमिक क्लब, देन एज सून एज वी थिंक दैट उसको साथ साथ में कुछ और भी शौक है, जब वो पूरे साल में टीचर उसको देख रहा है कि रिदमिक के साथ साथ उसको शायद रीडिंग का भी शौक है, देन द नेक्स्ट ईयर वी विल बी सेंडिंग दैट चाइल्ड टू द रीडर्स क्लब, इन दैट वे ही विल बी शफलिंग टू ऑल द स्टैंडर्ड्स इन ऑल द क्लब्स इन ईच स्टैंडर्ड. आफ्टर 6 ईयर्स ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल द क्लब्स, एंड आफ्टर दैट द चाइल्ड इज विद अस, सो वी अगेन वी कैन पुट इन दैट क्लब, बिकॉज एवरी टाइम वी आर हैविंग न्यू एक्टिविटीज, मेरे पास हर साल कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज रहती है, तो वो पर्टिकुलर बच्चा हर क्लब में जा
जाके अपने जो स्किल्स है वो आजमा सकते हैं. इन एवरी क्लब यू आर हैविंग डिफरेंट एक्टिविटीज. यस यस यस, यू आर हैविंग डिफरेंट एक्टिविटीज जो प्री डिजाइंड होती है, पहले से डिसाइड की हुई होती है. एंड अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स मीन्स जो रेगुलर स्कूल, वी आर हैविंग रेगुलर स्कूल, डे स्कूल एंड रेसिडेंशियल स्कूल. सो द रेगुलर स्कूल स्टूडेंट्स वुड ऑल्सो बी हैविंग द पीरियड्स ऑफ क्लब वेयर दे कैन गो टू द क्लब्स एंड ऑलरेडी द टीचर्स हैव डिजाइंड फ्यू एक्टिविटीज. The club members, the club heads have designed few activities and वो activities के हिसाब से पूरा उनका planning होता है और उनका syllabus plan होता है. उस हिसाब से वो clubs में activities करता है. And अगर हमें वो बच्चों को जानना है कि वो बच्चे ने जो सीखा है वो किस तरीके से वो implement कर ले, for that we keep competitions. Okay. Inter class competitions होते हैं and we also can send the students to inter school competitions. Okay. National level पे जा सकते हैं. For example, छोटा सा अगर मैं example दे देती हूँ तो readers club है, तो जो बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सब चीजों का नॉलेज आ रहा है, नई नई बुक्स पढ़ रहा है, तो कहीं पे भी क्विज कॉम्पिटिशन है, देन वी कैन सेंड दैट चाइल्ड टू द क्विज कॉम्पिटिशन इन द स्कूल. सो दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू डू अवर को करिकुलर मॉडल, हाउ दिस मॉडल इज गोइंग टू वर्क. सो जो पेरेंट्स कहते हैं, जैसे आपने कहा कि आप उसको हाउ कहीं पे भेजते हैं AS I3 System के डेवलपमेंट के लिए, उसका शौक पूरा करने के लिए, यू सेंड देम टू क्लासेस. सो नॉट टू सेंड देम टू क्लासेस एंड दैट ऑल द थिंग्स विल बी टेकन केयर बाय द स्कूल. तो हम बोल सकते हैं कि 360 डेवलपमेंट मेरे बच्चों का एक ही जगह पे, दैट इज गंगोत्री इंटरनेशनल स्कूल. यस, राइट राइट राइट. एंड फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ द क्लब्स मीन्स इफ यू वांट टू नो दैट इन पर्टिकुलर क्लब व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, फॉर फर्दर डिटेल्स यू कैन चेक आउट अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.